के कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी ने तीसरी बार सियासी बिगुल फूंक दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में देश और दुनिया ने न सिर्फ काशीवासियों का मोदी प्रेम देखा, बल्कि पीएम मोदी वाराणसी के लिए भाव और प्रभाव दोनों नजर आया। पीएम मोदी के नामांकन में देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए के दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चारों प्रस्तावकों की मौजूदगी में नामांकन दाखिल कर 24 की लड़ाई में विजय का प्रण लिया। अलग अलग तस्वीरें देख लीजिए। कलेक्ट्रेट ऑफिस में नामांकन, काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन, बीच में नामांकन की तस्वीरें, गंगा पूजन और नामांकन में जो तमाम दिग्गज पहुंचे थे उनकी तस्वीरें एक स्क्रीन पर। काशी का कुरुक्षेत्र, मोदी का रण क्षेत्र। काशी के द्वार, तीसरी बार उम्मीदवार। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन कर दिया है। भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखा। भव्य रोड शो और माँ गंगा के आशीर्वाद के साथ पीएम मोदी के लिए पूरे संसदीय क्षेत्र का प्रेम उमड़ता दिखा। इसी प्रेम भाव के बीच बेहद उत्साह के साथ एक बार फिर पीएम मोदी ने काशी से लोकसभा के रण का पर्चा भर दिया है। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं, मैं इसी द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से मैदान में हैं। नामांकन से पहले पीएम मोदी ने न सिर्फ काशी के कोतवाल काल भैरव की पूजा कर आशीर्वाद लिया, बल्कि इस दौरान देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता पीएम मोदी के नामांकन कार्यक्रम के लिए वाराणसी में मौजूद रहे। नामांकन से पहले पीएम मोदी माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पीएम मोदी का अभिवादन भी किया। काशी के कुरुक्षेत्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी उतरे हैं। पीएम मोदी का काफिला वाराणसी कलेक्ट्रेट पहुंचा और फिर चारों प्रस्तावकों और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पीएम मोदी नामांकन के लिए पहुंचे। वाराणसी के जिला निर्वाचन अधिकारी को पीएम मोदी ने अपना नामांकन पत्र सौंपा और हलफनामा भी पढ़कर सुनाया। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं, मैं इसी द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। काशी में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी राज प्रतिज्ञा के साथ महादेव का आशीर्वाद लेने पहुंचे। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से लोकसभा के रण का बिगुल फूंका है। नामांकन से पहले पीएम मोदी के रोड शो की भव्यता और काशी के लोगों का पीएम मोदी के लिए प्रेम साफ कर देता है कि यूपी की इस वीआईपी सीट पर सियासी हवा किस तरफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इधर बॉलीवुड की अभिनेत्री और अब बीजेपी नेता और बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने मंडी लोकसभा सीट से अपना नामांकन भरा है। और नामांकन से पहले कंगना ने पडुल मैदान में से लेकर डीसी ऑफिस तक एक मेगा रोड शो भी निकाला। कंगना के रोड शो से बीजेपी ने कांग्रेस की नामांकन रैली का जवाब देने की कोशिश भी की है। कंगना के नामांकन में उनकी मां के अलावा कंगना ने कहा कि मोदी जी ने बड़ी काशी से और जबकि मैंने छोटी काशी से नामांकन दाखिल किया। कंगना रनौत का मुकाबला कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह से होगा जो वहां के सियासी परिवार से आते हैं।
मंडी में कंगना ने शक्ति प्रदर्शन भी एक तरह से किया और ये कहा कि मंडी में उत्सव जैसा माहौल है। कांग्रेस की नामांकन रैली के जवाब के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कंगना रनौत का मुकाबला कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह से होगा। विक्रमादित्य सिंह के इस मुकाबले में आने से मुकाबला बहुत दिलचस्प। पतंजलि आयुर्वेद की दवाओं के भ्रामक दावों को लेकर योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच में सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश सुरक्षित रखा कि रामदेव और बालकृष्ण पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से पूछा कि जिन दवाओं के लाइसेंस रद्द किए गए उन्हें दुकान पर बेचने से रोकने और दवाएं वापस मंगवाने के लिए पतंजलि की तरफ से क्या कदम उठाए गए, इसके बारे में एक हलफनामा दायर करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने IMA के अध्यक्ष अशोकन को भी फटकार लगाई और उनके माफीनामे को मंजूर करने से इनकार कर दिया है। इधर ग्वालियर में जन्मदिन की पार्टी में विवाद हुआ। विवाद में 2 युवकों ने फायरिंग कर दी। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में हवाई फायरिंग करते हुए युवक नजर आ रहे हैं। निर्मल वाटिका के तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। निर्मल वाटिका के कोटेश्वर मंदिर रोड की यह घटना है और बेहतर तरीके से देख लीजिए, ये आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से फायरिंग की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है, निर्मल वाटिका के कोटेश्वर मंदिर रोड की पूरी घटना है। बताया जा रहा है कि दोस्त को फंसाने की नीयत से ये फायरिंग की गई। येलो टी शर्ट वाला आप देख पा रहे हैं और उसके पीछे ये एक और, दोनों में पैसों को लेकर विवाद था और इस वजह से इनने फायरिंग कर दी। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने फायरिंग करने वालों पर केस दर्ज कर लिया है। और अब हैरत की बात यह कि संत भी ठगी के मामले में गिरफ्तार हो रहे हैं। उज्जैन में निरंजनी अखाड़े की पूर्व महामंडलेश्वर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पूर्व महामंडलेश्वर ममता जोशी उर्फ मंदाकिनी को अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही गिरफ्तार किया। मंदाकिनी को पूछताछ के बाद पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। धोखाधड़ी को लेकर मामला दर्ज है। पूरा विवाद क्या है वो समझ लीजिए। मंदाकिनी पुरी पर लगभग 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। आरोप था कि उन्होंने एक व्यक्ति से महामंडलेश्वर बनने के लिए पैसे लिए थे। इन आरोपों के बाद निरंजनी अखाड़े ने उनकी जांच करवाई। इस बीच महामंडलेश्वर पद से उनको हटा दिया गया, अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने जहर पीकर आत्महत्या की कोशिश की। इसे पुलिसिया कार्रवाई से बचने की कोशिश के तौर पर देखा गया। बहरहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जैसे ही वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुई, धोखाधड़ी के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो कौन है ये भी हम आपको बता रहे हैं। पूरा विवाद क्या है, श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े की महिला संत मंदाकिनीपुरी पूर्व महामंडलेश्वर है। 2019 में अखाड़े का महामंडलेश्वर चुना गया। ये पहली महिला जो महामंडलेश्वर बनने वाली है, पहली महिला भी थी। सर पे आरोप लगे थे जिसमें एक थाना चिमनगंज में एक प्रकरण कायम हुआ था। उसके बाद इनका स्वास्थ्य खराब था, ये अस्पताल में एडमिट थी। आज वो डिस्चार्ज हुई हैं। जिनसे तबीयत खराब होने या क्या उनके द्वारा दवाई ली गई थी उसके संबंध में महिला अधिकारियों द्वारा पूछताछ की जा रही है, उनके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। सर वो जो इन्होंने ठगी की वारदात की थी उसके भी जी उस संबंध में भी इनसे इनके स्टेटमेंट लिए जाएंगे और इस संबंध में भी उनसे पूछताछ की जाएगी। महाकाल थाने में केस दर्ज है उसमें भी? हाँ, महाकाल थाने में एक जो प्रकरण दर्ज है उसके संबंध भी इनसे पूछताछ की जाएगी। और अब रायपुर आपको लिए चलेंगे। रायपुर में पुलिस ने ड्रग्स के कारोबार पर शिकंजा कसा है। दोहतर मैरिज गार्डन और होटल सैमरॉक में पुलिस ने दबिश दी। 4 लोग ड्रग्स के अवैध कारोबार को लेकर गिरफ्तार किए गए। खास बात यह है कि इनके पास से 9 ग्राम ड्रग्स और 50 लाख का सामान जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए लोग वेब सीरीज मनी हाइस से प्रभावित थे, महंगी कारों से ड्रग्स की सप्लाई करते थे। पुलिस का कहना है कि ड्रग्स की सप्लाई के लिए बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, डिमांड आने पर सप्लाई होती थी। पकड़े गए लोगों में से एक नेपाल का रहने वाला है।
धोत्रे मैरिज गार्डन कांग्रेसी नेता का, ये और एक लिंक निकल आया। और ये जो ड्रग है ये केमिकल बेस्ड ड्रग है जो बेहद खतरनाक होती है। और मध्य प्रदेश में मौसम की बात करेंगे। मौसम विभाग ने 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। विभाग की माने तो 16 मई तक आंधी बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं कि आंधी बारिश होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने बैतूल, खंडवा, बड़वानी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, इनके साथ 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ इस तरीके का माहौल आपके घरों के आसपास हो सकता है, बहुत सावधान रहने की जरूरत। और 16 मई के बाद तेज गर्मी को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिछले कुछ दिन में काफी थंडरस्टॉर्म और बारिश दर्ज किया है मध्य प्रदेश के काफी इलाकों में। वो स्थिति अभी अगले दो दिन तक और कंटिन्यू रहेगा, स्पेशली सदर्न पोर्शन में, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एमपी के मतलब मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में थंडरस्टॉर्म और गस्ट इवन का चांसेस है। उसके बाद ये आज तो 14th है, 16 के बाद ये सिस्टम कमजोर हो रही है, तो उसके बाद टेम्परेचर अभी बढ़ने का चांसेस है। तो हमने नॉर्दर्न एमपी में, स्पेशली ग्वालियर चंबल रीजन और टिकमगढ़ निवारी वो रीजन में डे 4 से 17 से हमने हीट वेव का वार्निंग दे रही हूँ, क्योंकि अभी जैसे सिस्टम जाएगा टेम्परेचर बढ़ने का काफी चांसेस है। और मध्य प्रदेश में मौसम इस कदर बदल रहा है मानो एक बहुत पुरानी पार्टी के नेताओं का हृदय बदल जाता है। अनूपपुर की बात करेंगे। अनूपपुर में मौसम बदल गया है, आंधी तूफान के साथ साथ तेज बारिश हुई है। हालांकि बारिश की वजह से लोगों को फौरी तौर पर तपती गर्मी से राहत मिली है। अशोकनगर में भी तेज हवा चली, झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। अशोकनगर में तेज धूप खिली हुई थी और अचानक तेज हवा चलने लगी और उसके बाद शुरू हो गया बारिश का सिलसिला। सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको भोपाल लिए चलेंगे। और वासु, वैसे मैं अभी अपने दर्शकों को बता रहा था कि एक बहुत पुरानी पार्टी है, उसके नेताओं का जो दिल है वो इतना तेजी से नहीं बदलता जैसे मध्य प्रदेश का मौसम बदलता है। खैर, मैं मौसम पर आता हूं। अभी और तब्दीलियां होंगी लेकिन 16 मई के बाद सूरज का सितम शुरू हो जाएगा। वासु, बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा, चुनाव के पहले एक दल के लोगों का दिल बदल रहा था और जब मध्य प्रदेश में चारों चरण के चुनाव खत्म हो गए तो मौसम में भी ऐसे अलग अलग मिजाज जो है देखने को मिल रहे हैं। अगर आप सुबह का मौसम देखें और फिर शाम के वक्त का अगर मौसम देखते हैं तो काफ़ी परिवर्तन मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में, अधिकांश हिस्सों में देखने को मिल रहा है। सुबह जैसे जैसे दिन चढ़ता है तो राइज ऑफ टेम्परेचर होता है, कड़क चिलचिलाती हुई धूप पड़ती है, गर्म हवाओं का लोगों को सामना करना पड़ता है और कई जगहों पर टेम्परेचर जो है 40 डिग्री के ऊपर रिकॉर्ड होता है। लेकिन शाम होते होते मौसम में बदलाव है वो दिखने लग जाता है और बादल छा जाते हैं, तेज हवाओं का दौर चलने लगता है और फिर कहीं कई जगहों पर बूंदाबांदी और ओलावृष्टि जैसी भी स्थिति बनती है। जैसे कि कल यहाँ पे पोलिंग्स में हम लोग मौजूद थे, चाहे आप झाबुआ की बात करें, रतलाम की बात करें, धार और इंदौर मालवा का जो आसपास का इलाका है वहाँ पे कल शाम के समय अच्छी खासी बारिश हुई। अभी भोपाल में भी मौसम जो है वो बदल गया है, दोपहर में जहाँ तेज चिलचिलाती हुई धूप थी तो अब यहाँ पर हल्की हवा चलने लगी है, थोड़ी सी ठंडक जो है वो मौसम में महसूस हो रही है, जो साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा कर रही है कि आसपास कहीं पर बूंदाबांदी हो गई है, कहीं पर पानी गिरा है। और मौसम वैज्ञानिकों को भी अभी हम सुन रहे थे, आने वाले 48 घंटों के लिए इसी तरीके का एक जो अलर्ट है वो जारी किया है, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी जो स्थिति है वो चिंताजनक हो जाएगी क्योंकि 16 मई के बाद हीट वेव चलने की जो आशंका है वो जताई जा रही है, यानी कि स्पष्ट है। फिलहाल जो साइक्लोनिक सिस्टम्स बन रहे हैं उनके चलते जो इस तरीके के मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है, बादल छा रहे हैं और बारिश हो रहा है, वो सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसके बाद जो सीधी गर्म हवाएं खासतौर पर राजस्थान की ओर से जो हवाएं गर्म आती हैं जिनको लपेट भी और लू भी कहा जाता है तो वो चलने की स्थिति बनेगी, जो थोड़ी सी स्वास्थ्य के लिए भी चिंताजनक हालात पैदा करती है और लोगों को अपने रोज़मर्रा के कामों को करने में भी खासी दिक्कत होगी, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो घरों से बाहर निकल के फील्ड वर्क करते हैं, फील्ड जॉब करते हैं, उनको बेहद सतर्क, बेहद सावधान रहने की ज़रूरत होगी। जी ललित, चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वासु, जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं
उसे सबको समझना चाहिए। दरअसल मौसम में जिस तरीके से परिवर्तन आ रहा है वो बहुत सारे संदेश आपको देता है। आमतौर पर अच्छे संदेश सुनने के आदि लोग नहीं रह गए हैं, इसी वजह से मौसम के सिग्नल को, मौसम के संदेशों को आपको सुनना बहुत जरूरी है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि इस बार जो नौतपा होगा उसमें छींटे पड़ जाएंगे। मान्यता यह कहती है कि अगर नौतपा में छींटे पड़ जाएं तो फिर आगे बारिश का सिस्टम बिगड़ता है। कुदरत का बिगड़ता हुआ सिस्टम आपसे चीख चीख कर कुछ कह रहा है, क्या आप उसे सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं, अगर सुन पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं सुन पा रहे हैं तो और भी अच्छा। कुदरत अपना हिसाब करना जानती है। इसी बड़ी बात के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।